अब हमारे साथ तीन ऐसी बहनें मौजूद हैं जो अपने हैरत अंगेज टैलेंट से सबको हैरान कर रही हैं और मेडल्स पे मेडल्स जीती जा रही हैं। मुझे ख्याल आया मैंने आज तक कोई मेडल नहीं जीता। एक घर में तीन बहनें और तीनों जो है अलग अलग हिसाब से ढेर सारे मेडल्स जीत रही है, जैसे स्क्वॉश प्लेयर से एक ही मैदान है, स्क्वॉश के मैदान में मुख्तलिफ लेवल्स पर ये जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। एग्जैक्टली, मैविश अली है, जूनियर अंडर 19 और वुमेन सीनियर टॉप सीट में खेलती हैं और अब तक कौमी और बैन अक्वामी सतह पर 20 मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। सैरिश अली अंडर 15 में नंबर वन पोजीशन पर फाइज है और 10 से ज्यादा मेडल्स ये हासिल कर चुकी हैं। और महनूर अली अंडर 11 में एशियन जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने भी एक दर्जन से ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं और तीनों बहनें साथ मौजूद हैं, लेकिन बाकी बहन भाई भी स्क्वॉश खेलते हैं। तो आज तीनों को वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, रमजान मुबारक आप तीनों को। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। स्क्वॉश क्यों? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैविश से पूछते हैं, स्क्वॉश क्यों? असल में हमारा शौक़ तो था स्विमिंग का और बाकी गेम्स का, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में इतने हाई लेवल पे खेली नहीं जाती स्विमिंग और ये, इनको इतना आगे वुमेन्स के सपोर्ट नहीं किया जाता, तो मेरे बाबा ने हमारे लिए स्क्वॉश इसलिए चूज़ किया कि एक इंडोर गेम है, ये एक बहुत सेफ गेम है खासकर वुमेन्स के लिए, एक महदूद जगह में खेली जाती है और ये हर कोई खेल सकता है। तो मेरे बाबा ने बोला, और इसमें असल में ऐसा है कि आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपकी आपका माइंड, आपकी आंखें, आपकी फुल बॉडी, लाइक एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो मेरे बाबा ने बोला कि नेगेटिव चीज़ों से अगर हम पॉजिटिव चीज़ में अपना टाइम डालें तो ज़रूर हम फिर आगे जा सकते हैं। आपने अपनी चीज़ों में अपनी उस एनर्जी को आपने चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। देख चुके हैं सब के कैसे प्रोडक्टिव है। नो डाउट। अच्छा सैरिश, बाकी बहन भाई वो भी स्क्वॉश? जी बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा भाई है वो भी स्क्वाश खेलता है और सबसे छोटी बहन है वो भी स्क्वाश खेलता है। और सबसे अच्छा कौन खेलता है? मेरा बड़ा भाई सबसे अच्छा खेलता और है। मैं वो घूर रही है आपको। सेकंड पे आती है ये, सेकंड पे आती है। और मानूर कहाँ पे आती है? आप थर्ड पे आती है। आप कहाँ गई? हम दोनों थर्ड पे आते हैं, सेम सेम। और छोटी बहन? स्टार्टिंग मैं और मेरे भाई ने स्टार्ट लिया, और मेरे बाबा को भी इतना आइडिया नहीं था स्क्वाश की, वो बैडमिंटन खेल चुके थे, क्रिकेट खेल चुके थे, बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके थे, सो ऑफकोर्स उनको एथलीट तो थे लेकिन उनको स्क्वाश का इतना मतलब पता नहीं था। तो उन्होंने जब हमें देखा कि स्क्वाश इतनी जबरदस्त गेम है, और जब हमने जहांगीर खान जानशेर सर को जब टीवी वगैरह में देख रहे थे, तो मैंने बाबा को बोला बाबा स्क्वाश ही सही है हमारे लिए। तो मैं भाई और मैंने एक साथ ज्वाइन किया, फिर एक साल दो साल बाद महानूर आई और लास्ट में फिर सैरिश आई। अच्छा, आप लेट गई हैं? बिल्कुल। अलग आप बड़ी हैं, देखें महानूर से। इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? क्या स्टोरी है? बता सकते हैं? सुनाएगी सैरिश, सुनाएगी। मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक नहीं था, बस बुक्स का ज्यादा शौक था और स्कूल का शौक था, मतलब और सोने का। स्पोर्ट्स में इतनी नहीं थी, बिल्कुल लेजी थी काफी ज्यादा। अच्छा ठीक है। तो मेरे पापा कहते थे कि स्टार्ट कर लो, फिटनेस एक्टिव हो जाओगी, लेकिन मुझे स्टार्ट नहीं करना था। फिर मैंने इनको देखा कैसे ये लोग प्रोग्रेस कर रहे थे और कितने ये लोग। आपने कहा उठो ख्वाबे गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा वैसे क्या ये एक महंगा खेल है? ऑफ कोर्स ये बहुत महंगा है, ये लॉन टेनिस और इनकी तरह बिल्कुल महंगा है, क्योंकि एक एक रैकेट हमारा 40,000 से अबव जाता है। वन वन बॉल हमारी जो हम दो एक दिन में तो खत्म हो जाती बॉल, तो 700 तक एक बॉल है। हमारे शूज 20,000-15,000 के आसपास आते हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स, क्योंकि देखिए जब हम किसी एक एक स्क्वाश के प्लेयर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इतना महंगा ये खेल है कि मैनेज नहीं हो पा रहा। आप घर में पांच लोग स्क्वाश खेल रहे हैं, तो आपके बाबा क्या करते हैं जो इतना मैनेज हो रहा है खर्चा? ये अल्लाह ही जानता है कैसे मैनेज होता है, लेकिन मेरे बाबा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं उनकी मेहनत देख रही हूँ। हमारे दोनों पेरेंट्स नॉट ओनली बाबा, मम्मा हमारे घर पे बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे मैचेस को देखने आती है और सबसे बड़ी बात सपोर्ट करती है। तो मैं कहती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। ये बड़ा जरूरी होता है फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना, फिर आप कुछ भी, स्पेशली बेटियों के लिए। लेकिन एक बात और है जो मुझे हल्की हल्की सी मालूम है, मैं चाह रहा था मैं इनसे पूछूं भी। वो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि अच्छा बेटी की पैदाइश के बाद या फॉर दैट मैटर बेटियां जब बड़ी हो रही हैं, आप तो माएं स्पेशली अच्छा ये चीज बेटी के लिए रख देते हैं, गोल्ड लेके रख लेते हैं, तो वो बड़ा मामला होता है हमारे यहाँ जनरली। अभी हम कल्चर ये मेरी शादी का है, अब ये मैं अपनी बेटी की शादी पे, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जहेज गोल्ड वो चीजें जमा होनी शुरू हो जाती है। मैंने सुना है कि वो जो गोल्ड जमा किया था या कर रहे थे, वो गोल्ड भी इन्होंने लगा दिया स्क्वॉश पे, क्या वाकई ऐसा होता है? व्हाट इज दैट स्टोरी अबाउट इट? स्टोरी ये थी कि हमने ऑफ कोर्स मेरे बाबा
बहुत अच्छे काम करते, सेल मैनेजर थे मेडिसिन कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस था, एवरीथिंग. सो उनने थोड़ी बहुत जॉब्स भी हमारे लिए छोड़ दी ताकि हमें फोकस करें. हमारे साथ स्क्वॉश आते थे बाकायदा, मेरी मम्मा पापा दोनों हमें देखने आते थे, हमारी गेम्स देखने आते, हमें और भी सिखाने आते थे क्या क्या करें. मम्मा घर बैठ के, हम आते थे हमारे लिए खाना एवरीथिंग, हमारा डाइट प्लान पूरा बस रखा होता था कि आओ बेटा खा लो. तो ये गेम इतनी एक्सपेंसिव है, इस वजह से पापा को अपनी कार भी सेल करनी पड़ी और मम्मा की हमें आगे इसका हल भी मिलेगा अल्लाह इंशाल्लाह. फल मिल रहा है आप लोग जरा अपनी अपनी कैटेगरीज में माशाल्लाह बड़ी नुमाया आपकी पोजीशन है. मानूर बड़ी खामोश थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं मानूर से पूछूं. मानूर ने ये कहा कि ये दोनों बड़ी बहनें मुझे बात नहीं करने दी, तो हमने कहा इन दोनों के माइक म्यूट कर दे और सिर्फ मानूर बात करेंगे. ठीक है मानूर. मानूर इवेंट कौन सा आ रहा है अब? अगला हमारा आ रहा है ऑस्ट्रेलियन जूनियर, जिसके लिए हम लोग बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी रमजान में. तो वो भी रमजान में ही, रमजान के एंड में होगा. तो ईद भी हमारी ऑस्ट्रेलिया में ही होगी. इससे पहले जो हमने अभी अभी जीता है वो रिसेंटली स्कॉटिश जूनियर था, जिसमें मैंने गोल्ड लिया अंडर 11 में, और मैविश ने अंडर 15 में गोल्ड लिया, और सैरिश ने अंडर 13 में ब्रॉन्ज मेडल लिया. क्या करते हैं इतने मेडल्स का आप लोग? बस वो गले में लगाते हैं वो देखे. वो तो लगाते हैं, मतलब घर में कोई आता होगा वो पूछते होंगे बच्चे क्या करते हैं, बस ये मेडल्स लेकर आते हैं जी. यही बात है, ये होता है ना. बिल्कुल बिल्कुल. मानो वैसे किसको आइडलाइज करती हैं स्क्वॉश में? स्क्वॉश में गेम के लिहाज से तो बहुत से लोग हैं जिनकी गेम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका रैकेट स्टाइल बहुत अच्छा होता है, जिनके ड्रॉप शॉट्स या फिर कुछ शॉट्स बहुत मुझे पसंद आते थे. मैं कॉपी करने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन लगती नहीं है. तो जिसकी जो चीज अच्छी लगी वहां से वो अडॉप्ट कर ली और अपने खेल में शामिल. लेकिन आपकी बॉडी होती है ना, आप समय में अडॉप्ट नहीं कर पाते आप वो स्टाइल, आपका अपना एक नेचुरल स्टाइल होता है. लेकिन कभी कभी आप छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं या एक चीज सीख लेते हैं जो आप बड़े सीनियर से नहीं सीख पाते. तो हर चीज से हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हम अडॉप्ट. एक दूसरे से कितना सीखते हैं ये मुझे लगता है मानूर को ही बोलना चाहिए. मानूर आप कितना सीखती हैं सैरिश से, मैविश से, और सिखाती कितना? मैं अब मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ. जो ये नई शॉट या फिर अच्छी शॉट मारते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ मैं भी वही शॉट खेलूँ. ठीक है. और मैं बस पे प्रैक्टिस भी करती हूँ, लग भी जाती है. तो जब इन साथ फिर मैं खेलती फिर मैं वही शॉट ट्राई करती तो फिर कहते हैं. अच्छा, तीनों की लड़ाइयाँ होती हैं आपस में क्योंकि बहनें हों और लड़ाइयाँ ना हो? पहले होती थी बट जब से हमने स्क्वॉश में मतलब प्रोफेशनल बने एक लेवल पे आए तो हमें तीनों एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं. अगर मैं हूँ तो अगर मैं इंडिविजुअली ये खेलती तो मैं कहती मैं इतना आगे नहीं जा पाती जितना मैं इन दोनों के साथ आगे जा रही हूँ. क्योंकि एक होता है एक सपोर्ट मिलती है आपका, कोई अंडरस्टैंड करने वाला, अच्छी बॉन्डिंग आप तीनों की बॉन्डिंग होती है. तो इस तरह कभी कभी होता है कि मैच होता है तो आपकी ओपोनेंट का मैच ये दोनों मेरा देख लेते हैं, फिर कल आकर हम रात को डिस्कस करते हैं आपके ओपोनेंट ऐसा खेल लेती है ऐसा खेल, आपने ऐसा खेलना है, तो हम डिस्कशन करते रहते हैं. खेल के अलावा और कोई डिस्कशन ही नहीं है तो लड़ाई किस बात पे होगी? डिस्कशन लड़ाई होती है घर में. वो किस बात पे होती है? जी मानूर प्लीज बात कर रही थी. बोलिए बोलिए. जो हर बहन भाई करते वैसी लड़ाई तो होती है. अच्छा, सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है तीनों में से? ये यहीं से अंदाजा हो गया आपको कि ये दही खट्टा है. हम दोनों मिलके इसे तंग, ये दोनों मिलके मुझे तंग करते, मैं जरूर लड़ूंगी इनके साथ. और क्या करूं, छोटी बहनें बेचारी मासूम क्या कहती हैं. मैं मासूम, मैं मासूम. आप तो आप भी हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन छोटी है ना वो, उनकी बात कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मासूम है. वो तो सारे अच्छे खेलते हैं आपस में भी. जब मैच लगाते हैं तो फिर टफ टाइम कौन किस बहन को देता है? अच्छा, आपस में जो है तो जब मैच होता है तो हम ये नहीं कहते कि बहन है, ओपोनेंट है जी. मैं कह रही थी कि हाँ बहन है थोड़ा गुजारा कर लो, बाबा भी कहते हैं थोड़ा गुजारा कर लो, लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छा टफ फाइट खेलते हैं. इस साथ मेरी पिछली बार मैच हुआ कराची में ही, इसी के साथ मेरा सेमीफाइनल आया. सो मैंने साथ खेली, इसने मेरे साथ बहुत अच्छी फाइट किया. वह शौक के सैरिश बहुत अच्छा खेली है. मैंने बाबा को भी बोला, मम्मा को भी बोला, इसको भी मैंने बोला. तो ये जब कभी कभी ये दोनों मुझसे हारते तो रोने लग जाते हैं. उस दिन ये लोग नहीं रोए थे क्योंकि इन लोगों को लगा कि यस आई प्लेड वेरी वेल. चलें, इसी तरह से आप तीनों की बॉन्डिंग, इतना प्यार आप तीनों के दरमियान कायम रहे, स्पेशली इस खेल के लिए प्यार बड़ा जरूरी है जो आप तीनों मिलके कर रहे हैं. और आपके पेरेंट्स को मैं इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा दे रही, किस तरह से वो जहां पर कहते ना कि बेटियां, तो ये बस हम कहते हैं गोल्ड रख लो जिनकी शादियां कराएंगे और इन सारे मामलों के लिए, वहां पर आपके ख्वाब पूरा करने के लिए, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आप लोगों को एम्पावर किया जा रहा है. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज हमें वक्त देने के लिए.